तो आप में से बहुत लोगों को डाउट होता है कि नोट्स बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, और नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 4 स्टेप्स जो मैं हर चैप्टर को पढ़ के फॉलो करता था, जिससे मेरा नोट्स भी तुरंत बन जाता था और जिससे मुझे एक अलग कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वीडियो में बने रहिए। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीलेश भारती है और मैं एम्स कल्याणी का सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मैं इस वीडियो में आपको अपना एनसीईआरटी दिखाने वाला हूँ कि मैंने किस तरह से नोट्स बनाई थी। एक यही बायोलॉजी का एनसीईआरटी जो मैं यहाँ एम्स में लेकर आया हूँ, बाकी मेरा सारा बुक मेरे घर पे। तो मैं आपको अभी अपने बुक का जो लाइन है वो मैं आपको लाइन बाय लाइन दिखाऊंगा कैमरा पे, और मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं बिना किसी कॉपी का यूज किए हुए। और इस नोट्स में का फायदा यह है कि आप इसे पढ़ोगे तो आप बहुत जल्दी अपना सिलेबस कम्प्लीट कर सकते हो। जैसे आप 2 घंटे में आप एनसीईआरटी का पूरा एक यूनिट खत्म कर सकते हो। आपको कोई दूसरे बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हमारे एनसीईआरटी की तरफ। तो यह है हमारा खूबसूरत सा एनसीईआरटी। तो देखते हैं कि इससे जो सबसे हार्ड चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, हम उस पे जाते हैं। ठीक, 60 तो हम आगे 65 पे। तो हम बात करते हैं एक एक लाइन पढ़ के कि कैसे हम आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते होंगे कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड्स थ्रू प्लांट, ये जो लिखा हुआ है ये मैं एक मॉड्यूल का क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ जो मुझसे गलत हो गया था और जो बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे इस बुक में देखने को नहीं मिली। हम स्टेप की बात करते हैं, आप कौन से स्टेप का फॉलो करके हर का नोट्स बना सकते हो। जैसे फर्स्ट ये आप पूरा पढ़ो और ये जो लाइन है आप इसका एक समरी लिखने का कोशिश करो। जैसे मैं इतना पढ़ा, इतना मेरे को सिर्फ एक दो ही चीज काम का लगा, ये जो मैंने लिखा हुआ हूँ जियोट्रॉपिक पॉजिटिव और फोटोट्रॉपिक नेगेटिव। फिर मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ा और मुझे इसमें जितना काम का लगा वो मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ आप देख सकते हैं ये 4 पॉइंट थे काम के। अभी मैंने ऐसे करके इस पैराग्राफ को पढ़ा, इस पैराग्राफ को पढ़ के मुझे जितना जरूरत लगा मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैंने ये पढ़ा, मैंने यहाँ लिख दिया। ये था फर्स्ट कि हर पैराग्राफ को पढ़ के आप एक उसका बगल में ही समरी लिख दो। जो देखो आपको जो चीज़ें आप खुद से लिखते हो वो आपको ज़्यादा दिनों तक वो आपको ज़्यादा याद रहता है। आपको नोट्स 4 स्टेप में बनाने हैं। फर्स्ट आपको ये पैराग्राफ पढ़ के आपको इसका जो समरी है वो लिखना है। सेकंड जो इसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आपको हाईलाइट करना है। जैसे देख सकते हैं मैं हाईलाइट किया हुआ हूँ, मैं पेन से किया हूँ, आप हाईलाइटर से भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ये रेक्टेंगल कर दिया है। आपको सेकंड फर्स्ट स्टेप आपको समरी लिखना है, सेकंड स्टेप आपको हाईलाइट करना है। थर्ड स्टेप आप अगर किसी मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको कुछ नया पॉइंट मिलता है तो आपको वहाँ ऐड कर देना है। जैसे कि मैं ऊपर ऐड किया हूँ, यहाँ देखिए यहाँ भी एक ऐड किया हुआ है। यहाँ देखिए मैंने कितना पॉइंट ऐड किया है। ये सब मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं कि सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं जो मुझसे गलत हुआ या जो एकदम न्यू कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे जैसे मैंने खुद का निमोनिक्स भी बनाया है, देख सकते हैं आप लोग ये सब। अगर अभी मैं आपको बताऊं कि आपको अन अकेडमी का 10,000 का सब्सक्रिप्शन है, सिर्फ आपको 239 मिल रहा है तो आपको कैसा लगे? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अन अकेडमी नीट यूजी प्रिपरेशन का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप लोग सब इसके बारे में जानते ही होंगे। ये जो अन अकेडमी है ये एक बहुत अच्छा ऑफर लाया है जो कि 23 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक अवेलेबल है। यानी आपके पास सिर्फ 2 दिन है, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल, ये 2 दिन में ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरा कोड नीलेश के 10 यूज करके इसमें इनरोलमेंट ले लिया है। तो चलिए इस ऑफर की बात करते हैं। ये जो ऑफर है अन अकेडमी लर्निंग फेस्टिवल, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 299 में इसका प्राइस है। और अगर आप मेरा कोड नीलेश के 10 यूज करते हो तो आपको ये जो सब्सक्रिप्शन ये आपको सिर्फ 239 में मिलेगा। इसमें आपको अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है नीट यूजी का। यानी आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट आपको सिर्फ 239 में मिलते हैं। और इसमें आपको सारे फीचर्स जो आपको प्लस से मिलते हैं वो मिलेंगे, जैसे लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसकी भी गाइडेंस आपको मिलेगी। 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी है भी है इसमें। इसमें इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज भी मिलते हैं और जैसे आप लोग जानते हैं इसमें नीट यूजी का मॉक टेस्ट तो होता ही है, वो तो इसमें मिलेगा ही। तो आपको ये कोर्स क्यों लेना चाहिए? मैं कह रहा हूँ अगर आप खुद से एक चैलेंज लेना चाहते हो नीट का 45-day चैलेंज, जो कि आपको ये 42-30 सिर्फ 239 रुपए में आपको 45 days का सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो इसमें आप एक 45-day चैलेंज करके भी ले सकते हो। और आप ट्राई कर सकते हो कि आप ये 45-day चैलेंज है इसको आप अच्छे से यूज करके आप अपना सिलेबस सिर्फ 45 days में कम्प्लीट कर सको। इसे आप एक खुद से चैलेंज के रूप में लो कि मैं कैसे 45 days में सिलेबस कम्प्लीट कर सकता हूँ, इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। तो बिना किसी देर किए ये जो सब्सक्रिप्शन है इसे आप इनरोलमेंट ले सकते हो। 239 बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, आप 30 अप्रैल तक ये अवेलेबल है। आप मेरा को नीले से के 10 यूज करके इसमें इनरोलमेंट लो, जिसमें आपको जो 300 है उसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। आपको सिर्फ 239 इफेक्टिव प्राइस में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो यही था फर्स्ट स्टेप मेरा नोट्स कैसे बनाएं। फर्स्ट ये आपको पढ़ना है और उसका समरी लिखना है। सेकंड आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको आपको हाईलाइट कर देना है। थर्ड मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और फोर्थ जो मॉड्यूल के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो या जो न्यू कॉन्सेप्ट मिले वो उसको आपको एनसीईआरटी के ऊपर लिख देना है। तो बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको सिर्फ आपको इस चैप्टर का अगर रिवीजन करना है तो आप एक ही फ्लो में कर सकते हो। आपको कॉपी खोलने की जरूरत नहीं है, आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है। आप बस इसे स्टार्ट करो, इसे पलटते जाओ, आपको बहुत जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। ऐसा करके जैसे मान लेते हैं कि यूनिट है, जैसे कि ये यूनिट, ये जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये 3 चैप्टर का है। इसे आप आराम से 1.5-2 घंटे में कर सकते हो रिवीजन।
ऐसे करके मान लेते आप 2 घंटे सुबह पढ़ते हो 2 घंटे शाम पे पढ़ते हो, तो आपको इतना चैप्टर आपका एक दिन में रिविजन हो जाएगा। और जैसे ही करते आप सब्सिक्वेंट रिविजन करते जाओगे, इससे आपका और आसान होते जाएगा। तो ये था मेरा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब आप बात करते हैं हम मेरे एनिमल और प्लांट किंगडम की। अब 29 पेज नंबर पे जाते हैं, उसका नोट्स कैसे बनाया हम दिखाते हैं। ये तो कुछ नहीं है, यहीं पे वही बेसिक सा अंडरलाइन किया हुआ, देख सकते हैं मैंने ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चंस। अब आते हैं मेन कंटेंट पे, देख सकते हैं मैं पूरा साइड में लिखा हुआ हूँ, ये पूरा जो इतना लिखा हुआ है सबका समरी यहाँ लिखा हुआ है, और ऊपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो मेरा मॉड्यूल में गलत हुआ था। सेम वही इसमें जिसका ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बगल में समरी, सेम तरीका समरी कॉन्सेप्ट्स और वो क्वेश्चंस, हर बुक हर पेज में आपको वही सेम चीज मिलेगा। ये भी आप देख सकते हैं समरी क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये भी वही है पॉइंट में लिखा हुआ इतना का, ये जो इतना लिखा हुआ है इसका समरी सिर्फ इतना ही है सूची, इसलिए मैं इसे यहाँ लिख दिया कि मुझे रिवीजन बहुत कम टाइम लगे। बस मैंने बायोलॉजी का कोई अलग से नोट्स नहीं बनाया, मैंने इसी बुक में सब कुछ इंक्लूड कर दिया। अब आते हैं एनिमल किंगडम पे, वो बहुत मेरा उसमें मैंने कुछ ज़्यादा न्यू पॉइंट्स लिखे हुए हैं क्योंकि बहुत कुछ नया था बुक में, मतलब मॉड्यूल में। ये जो बुक था ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह, ये क्वेश्चंस, ये भी वर्ड्स कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। अगर आप लोग इसका पिक्चर चाहते हो तो मैं इसका पिक्चर की क्लिक करके डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे, अगर आप चाहते हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं इसका पिक्चर खींच के डाल दूंगा। मैं वैसे यही बुक लेके आया हूँ यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग, ये जो मैंने ये पढ़ा मैंने इसका समरी यहाँ लिख दिया और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ लिख दिए, मैंने ये पढ़ा मैंने इसका समरी यहाँ लिख दिया और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर में लिख दिए, बस यही था कॉन्सेप्ट बनाने का। देखिए कितना मतलब पूरा पेज कितना मैंने लिखा हुआ है, ये कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट था इसमें, कुछ ज्यादा न्यू इन्फॉर्मेशन थी इसलिए ये ऐसा लग रहा है, लेकिन इसे पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता था, धीरे धीरे सब्सिक्वेंट रिविजन में ये सब आसान लग हो गया था। यही है मेरा बुक, तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यही था मेरा बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक, जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ कि मैंने कैसे नोट्स बनाए। देखिए ये नोट्स बनाने का बहुत एडवांटेज है, इसमें आपका जो कोई चैप्टर है पर्टिकुलर चैप्टर वो आप बहुत जल्दी सिलेबस खत्म कर सकते हो रिवीजन उसका, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल का रिफर नहीं करना पड़ा, आपको पढ़ने का मन है आप सिर्फ सुबह उठाओ ये पढ़ लो। मैं यही करता था, मैं सुबह उठ के ये बुक खोल के बैठ जाता था। देखिए इससे मेरा कितना फास्ट सिलेबस कवर हो रहा है, मैं बुक भी पढ़ता था, मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बने वो भी मैं इसमें लिखा हुआ था, जिससे मुझे मॉड्यूल भी खोलने का जरूरत नहीं पड़ता था और मेरी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो पाई। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।